I think England have missed a trick by sending all their players home. You know, I think Will Jacks, Phil Salt, Josh Butler, in particular, playing in the IPL in the eliminations, pressure, crowd, expectation. I would argue that playing here is better preparation than playing a T20 game against Pakistan. Michael Vaughan, IPL के अगले सीजन की भी नौकरी पक्की कर रहे हैं। फरमाते हैं इंग्लिश क्रिकेटर्स को पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज नहीं खेलनी चाहिए थी। जो खिलाड़ी इंग्लिश खिलाड़ी IPL में मसरूफ थे, उन्हें IPL में रहकर यहीं पर जो IPL के मैचेस खेलने चाहिए थे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को यही कहूंगा कि हो गया, करा ली बेइज्जती है। वो माइकल वॉन जो भाई पहले हमारी तारीफें किया करता था, सारा कुछ है, अब वो कहता है कि मैच प्रैक्टिस के लिए एक इंटरनेशनल मैच पाकिस्तान के अगेंस्ट छोड़कर एक लीग क्रिकेट का मैच खेल लो। पाकिस्तान इसी तरह जलील और रुस्वा होगा बाकी खेलों की तरह, इसी तरह हम शर्मिंदा होते रहेंगे, माइकल वॉन और बाकी लोग इसी तरह हमारा मजाक उड़ाएंगे, लेकिन वो सही है हमारी अपनी। यार शर्म का मुकाम है हमारे लिए कि हमारी टीम जो है वो वर्ल्ड कप खेलने जा रही है और वर्ल्ड कप का जो स्क्वाड है वो इंग्लैंड के खिलाफ खेलने के लिए गया हुआ है, और इंग्लैंड के साबिक खिलाड़ी ये कह रहे हैं कि भाई ये थर्ड क्लास टीम है और इसके साथ खेलने के लिए आपने IPL किस लिए मिस किया। माइकल वॉन ने बोला पाकिस्तान तो इस टाइम सबसे ज्यादा बेकार टीम है T20 की। शर्म कर लो यार थोड़ी सी, पाकिस्तान का मैं कहता हूँ हर बंदा मजाक बना रहा है यार। पूरी दुनिया को पता चल गया कि आप डॉलर के लिए बात कर रहे हो, आप क्योंकि आपकी आपकी बात में वजन नहीं है, आपकी बात में लॉजिक नहीं है, अजीब फजूल किस्म का आप लॉजिक दे रहे हैं कि प्रेशर होता। तो सामने क्या जो आमिर है, शाहीन है, नसीम है, बाबर आजम है, रिजवान है, ये क्या अभी गली मोहल्ले क्रिकेट वाले हैं, ये कोई क्लब क्रिकेटर है? तो माइकल वॉन की ना वो बात तो ठीक है कि अगर वो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो वो जो प्रेशर और वो सारा कुछ है, प्लस वहां पे पैसा बहुत इन्वॉल्व होता है ना, तो पैसे का तो अकेले ही इतना प्रेशर होता है भाई। माइकल वॉन ने क्या गलत बोला, ठीक बोला उसने, IPL खेल रहे होते हो शायद तैयारी इससे अच्छी हो जाती, यहाँ पर तो कंपटीशन ही नहीं मिल रहा है भाई। नमस्कार दोस्तों, जय दोस्तों, एक लाइव इंटरव्यू में माइकल वॉन ने पाकिस्तान की सस्ती बेइज्जती कर दी है और ये कहा है कि विल जैक्स, जोस बटलर और जो अन्य इंग्लैंड प्लेयर है उनको IPL में रहकर प्लेऑफ्स खेलना चाहिए था, ना कि इस पाकिस्तानी सस्ती टीम के साथ T20 सीरीज खेलते। इससे बड़ी बेइज्जती पाकिस्तान की क्या हो सकती है कि फॉर्मर इंग्लैंड कैप्टन इस तरीके की स्टेटमेंट दे रहा है कि भाई पाकिस्तान के साथ सीरीज से कोई अहमियत ही नहीं है, इससे बड़ा तो एक लीग टूर्नामेंट मतलब IPL है। तो IPL को यहां पर प्रायोरिटी दे रहे हैं माइकल वॉन अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी T20 बायलैटरल सीरीज, इसको लेकर पाकिस्तानियों की जगह जगह पर मिर्ची लगी है। चलिए वीडियो देखते हैं, मैं आपको वीडियो के एंड पर। माइकल वॉन IPL के अगले सीजन की भी नौकरी पक्की कर रहे हैं, फरमाते हैं इंग्लिश क्रिकेटर्स को पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज नहीं खेलनी चाहिए थी। जो खिलाड़ी इंग्लिश खिलाड़ी IPL में मसरूफ थे, उन्हें IPL में रहकर यहीं पर जो IPL के मैचेस खेलने चाहिए थे। लॉजिक क्या देते हैं वो बताते हैं कि IPL का जो प्रेशर है और जो प्ले ऑफ मैचेस का प्रेशर होगा, जो क्राउड का प्रेशर होगा, और इतने बड़े स्टार के साथ खेलने से आपको ज्यादा जो है वो आपको आपकी तैयारी होती है T20 वर्ल्ड कप के लिए बजाय पाकिस्तान के खिलाफ खेलने के लिए। मतलब आप ये फरमा दें कि पाकिस्तान की टीम जो है वो कोई युगांडा की टीम है या कोई नबीबिया की टीम है या कोई ऐसा कोई एसोसिएट मेंबर है जिसे अभी अभी जो है वो क्रिकेट खेलना शुरू की है, तो इंग्लैंड की जो है पाकिस्तान के खिलाफ तैयारी नहीं होगी बल्कि IPL में तैयारी होगी। आपकी सोच को सलाम है और डॉलर्स के लिए आपका बिल्कुल जमीन से लगने के बाद आपकी जहनीत को सलाम है। माइकल वॉन साहब, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट थी आपकी एज अ फॉर्मर इंग्लिश क्रिकेटर, हम समझते थे कि आप बहुत एक अच्छे खिलाड़ियों में, बड़े खिलाड़ियों में आपका शुमार होता था, लेकिन आप भी डॉलर के लिए सब कुछ बोलने को तैयार है क्योंकि पैसा जब बोलता है ना तो बड़े बड़ों की असलियत जो है वो खुलकर सामने आती है और माइकल वॉन की भी असलियत खुलकर सामने आई है, जो ये कह रहे हैं कि आप नेशनल क्रिकेटर, नेशनल क्रिकेट को, कौमी क्रिकेट को पीछे छोड़ दें, अपनी नेशनल टीम को पीछे छोड़ दें, एक फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलें। ये वो फरमा रहे हैं, ये बता रहे हैं कि आप नेशनल क्रिकेट ना खेलें, अगर सामने ऑस्ट्रेलिया की टीम होती फिर आप क्या फरमाते? मतलब आपको पता है पाकिस्तान के खिलाफ बोलूंगा, IPL के फेवर में बात करूंगा तो अगले साल का कॉन्ट्रैक्ट जो पहले से ही पक्का हो जाएगा और बल्ले बल्ले जो है वो अलग से हो जाएगी। मतलब मुझे ये खबर पढ़ के और ये चीज सुन के इंतहाई अफसोस हुआ कि इतना बड़ा खिलाड़ी और इतनी गिरी हुई बात करेगा, इतनी जमीन से लगी हुई बात करेगा कि आप नेशनल क्रिकेट को छोड़ दो, यानी कि पाकिस्तान के खिलाफ आप सीरीज ना खेलो, आप IPL खेलो। माइकल वॉन साहब, अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट चाहिए IPL का तो किसी और तरीके से ले लें, इतना जमीन पर लेट जाने का, बिच जाने का क्या फायदा? पूरी दुनिया को पता चल गया कि आप डॉलर के लिए बात कर रहे हो, आप क्योंकि आपकी आपकी बात में वजन नहीं है, आपकी बात में लॉजिक नहीं है, अजीब फजूल किस्म का आप लॉजिक दे रहे हैं कि प्रेशर होता। तो सामने क्या जो आमिर है, शाहीन है, नसीम है, बाबर आजम है, रिजवान है, ये क्या अभी गली मोहल्ले क्रिकेट वाले हैं, ये कोई क्लब क्रिकेटर है? पाकिस्तान की नेशनल टीम के खिलाड़ी है और वो खिलाड़ी है जो इस वक्त T20 क्रिकेट के एक बेहतरीन खिलाड़ियों में से कुछ चंद खिलाड़ी है, पाकिस्तान के खिलाड़ी है। और इंग्लैंड की क्रिकेट टीम के साथ कल मैच हुआ है वो पूरी दुनिया देखा है, क्योंकि पाकिस्तान हारा है लेकिन एक बेहतरीन एक मैच हुआ और लगा है कि दो नेशनल टीमें एक दूसरे के मध्य मुकाबले हैं। माइकल वॉन ने पाकिस्तानी टीम को ट्रोल कर दिया और इतनी बुरी तरह से माइकल वॉन ने ट्रोल किया है ना कि यकीन माने एज अ पाकिस्तानी मुझे शर्म आ रही है कि यार ये टीम
हम जो आप वर्ल्ड कप में भेज रहे हैं, इस टीम से हम वर्ल्ड कप जीतने की उम्मीदें लगा रहे हैं, यकीन माने शर्म का मुकाम है। माइकल वॉन ने अपनी इंग्लैंड की टीम को मुखातब करते हुए यह बोला है कि भाई साहब आप कौन सी टीम के लिए आईपीएल छोड़ के आए थे, क्या आप इस थर्ड क्लास टीम के साथ खेलने के लिए आईपीएल छोड़ के आए थे? हमारे खिलाड़ियों को आईपीएल के प्लेऑफ्स खेलने चाहिए थे और इस टीम के लिए वापस नहीं आना चाहिए था, क्योंकि आईपीएल में उनकी तैयारी इससे ज्यादा अच्छी हो जाती, वहां पर क्वालिटी बॉलिंग और क्वालिटी बैटिंग मौजूद है, वहां पर आपकी वर्ल्ड कप की तैयारी इससे 100 गुना ज्यादा अच्छी हो जाती, आपने ट्रिक मिस कर दी है आईपीएल को छोड़ के पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए। यार शर्म का मुकाम है हमारे लिए कि हमारी टीम जो है वो वर्ल्ड कप खेलने जा रही है और वर्ल्ड कप का जो स्क्वाड है वो इंग्लैंड के खिलाफ खेलने के लिए गया हुआ है और इंग्लैंड के साबिक खिलाड़ी ये कह रहे हैं कि भाई ये थर्ड क्लास टीम है और इसके साथ खेलने के लिए आपने आईपीएल किस लिए मिस किया, लेकिन अब इंग्लैंड से भी हार गए और वर्ल्ड कप में दूसरी टीमों पर हमारा क्या इंप्रेशन पड़ रहा है? इंप्रेशन ये पड़ रहा है कि यूएसए की टीम हमें धमकी दे रही है कि भाई कौन है पाकिस्तान, आने दो हम उसे भी देख लेंगे, बांग्लादेश को मार लिया पाकिस्तान को भी मारेंगे, कनाडा वाले अलग जो है छुरियां तेज करके बैठे हुए हैं और इंडिया वाले मैच को उसको तो साइड पे रख लें। माइकल वॉन ने क्या गलत बोला? ठीक बोला उसने, आईपीएल खेल रहे होते तो शायद तैयारी इससे अच्छी हो जाती, यहां पर तो कंपटीशन ही नहीं मिल रहा है भाई, यहां पर जाओ इतने जाओ रन से आप मैच हार गए, आपके बैटर्स T20 को जाओ टेस्ट बना के खेल रहे हैं, इतनी हाइप बनाई जाती है जी हमारा जो किंग जा रहा है भाई, बाबर आजम ईगल जा रहा है, ब्रैडमैन जो है वो रिजवान है भाई साहब, तेज तरीन जो है वो 3000 रन उसने पूरे किए हुए हैं, हमारी बॉलिंग वर्ल्ड क्लास है, इतनी हाइप बनाई जाती है और जब मैच आता है भाई ठुस हो जाते हैं ये सारे के सारे और फिर जो है वो कोई भी एरा गहरा उठ के जो हमें ट्रोल करके चला जाता है। ये तो माइकल वॉन उनका सबक कप्तान है और भी बहुत सारे ट्रोल कर रहे हैं लोग, सोशल मीडिया पे इतनी वीडियोस चली हुई हैं कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। आप सोचे कि इंग्लैंड की टीम से हारने के बाद आपको इतना ट्रोल किया जा रहा है, तो खुदा ना करे आप वर्ल्ड कप में यूएसए कनाडा या आयरलैंड से हार गए तो आपका क्या हशर होगा, और एक आध मैच तो आप हारेंगे ही हारेंगे, इन तीनों टीमों में से एक आध टीम आपको हराने वाली है ये आप लिख के रख लें, और अगर कोई टीम आपको हरा लेगी तो आपकी कितनी ज्यादा ट्रोलिंग होगी वो आप सोच लें। बेशर्मी की इंतहा हो गई है कि मैच हारने के बाद बाबर आजम को आता जाता कुछ नहीं है, बस वही बातें, डेफिनेटली डेफिनेटली बॉयज प्लेड वेल, हम एग्जीक्यूट करेंगे अगले मैच में। क्रिकेट सर्किट में हमारी इज्जत कोई नहीं करता, हम वो टीम है जो रिसेंटली अफगानिस्तान से हारे हैं, जो वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे से हारे हैं, जिसको आयरलैंड ने हराया, जिसको न्यूजीलैंड की बच्चा टीम ने हराया और बोल के हराया, हमारी इज्जत कोई नहीं करता, हमें सीरियस कोई नहीं लेता। लेकिन जो आज हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ, जो बेइज्जती की गई है पाकिस्तान क्रिकेट की, यकीन करो ऐसा पाकिस्तानी मुझे रोना आ रहा है, मेरा दिल कह रहा है मैं अपने आप को चपेड़े मारूं क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूं, मेरा दिल कह रहा है मैं अपने आप के मुंह के ऊपर ये डंडा मारूं पकड़ के मैं पाकिस्तानी हूं, यार मुझे शर्म आ रही है, यार शर्म आ रही है मुझे। साथ माइकल वॉन ने जो आज पाकिस्तान क्रिकेट की बेइज्जती की है ना, माइकल वॉन ने बोला पाकिस्तान तो इस टाइम सबसे ज्यादा बेकार टीम है T20 की। माइकल वॉन ने बोला अगर पाकिस्तान T20 की टीम है ही नहीं, इनको चाहिए कि ये T20 क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने खेले ही ना, क्योंकि इनमें एक भी प्लेयर T20 के अकॉर्डिंग नहीं खेलता, और इंग्लैंड के प्लेयर्स को चाहिए था कि ये अपना टाइम जाया कर रहे हैं, बटलर को चाहिए था कि राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलता, विल जैक को चाहिए था कि RCB की तरफ से खेलता, ना कि पाकिस्तान ये घंटे के साथ आके खेल के अपनी वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन उन्होंने खराब कर देनी है, वहां ज्यादा बेहतर तैयारी हो जानी थी, ये तो एक्सपोज्ड हुई टीम है और ये तो आयरलैंड से हारी हुई है यार, और माइकल वॉन ने पकड़ के आपको पता क्या बोल दिया कि साइड पे हो जाओ यार, आप फिर भी वर्ल्ड कप जीती हुई टीम हो, टेस्ट प्लेइंग नेशन हो, बाबर की कप्तानी में हम 7वें 8वें नंबर पे, T20 में हमारे से ऊपर अफगानिस्तान श्रीलंका है, आप अंदाजा लगा लो यार, पता पाकिस्तान 3-0 हुआ था जब 70-80 पे ऑल आउट हो रहे थे ऑस्ट्रेलिया में 2023 के एंड पे दिसंबर में, तो रिकी पोंटिंग ने पता क्या बोला था पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया में ना बुलाया करो, ये टाइम जाया करने आते हैं, मतलब यार ना हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया खेलता है उनको पता है यार कोई कंपटीशन ही नहीं है, ना इंग्लैंड खेलता है, इंडिया तो हमारे साथ खेलते हैं उनको पता है यार इनको आराम से पेल देंगे, उधर यूएसए में धमकियां लगा रहा है, हमें आयरलैंड ने पकड़ के मार दिया यार, शर्म कर लो यार थोड़ी सी, पाकिस्तान का मैं कहता हूँ हर बंदा मजाक बना रहा है यार। तो दोस्तों जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि कैसे माइकल वॉन की बेइज्जती के बाद कई कोई पाकिस्तानी जो माइकल वॉन को कोस रहा था
और कोई पाकिस्तानी अपने टीम को कोस रहा था, लेकिन जो माइकल वॉन को कोस रहा था उसको मैं ये बता दूं कि भाई तुम्हारी टीम की परफॉर्मेंस क्या है। तुम जो ये एग्जांपल दे रहे थे कि वहां पर तुम्हारे बाबर खेल रहे हैं, रिजवान खेल रहे हैं, ये सब क्या गली मोहल्ले के प्लेयर है? और गली मोहल्ले के प्लेयर नहीं है तो ये क्या है? जो न्यूजीलैंड की डी टीम से हार रहे हैं, मर मरा के उनके साथ सीरीज ड्रॉ करा रहे हैं, जो आयरलैंड के साथ भी अच्छे परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं, पहले मैच आयरलैंड उनको पहला है, जिसको यूएसए की टीम धमकी दे रहा हो कि आ जाओ तुमको देख लेंगे वर्ल्ड कप में, तो उस टीम को हम गली मोहल्ले के प्लेयर नहीं कहेंगे तो क्या हम वर्ल्ड क्लास प्लेयर कर देंगे उनको? और उनको पूछना भी कौन है? अगर एक फॉर्मर इंग्लैंड प्लेयर मतलब आईपीएल को प्रायोरिटाइज कर रहा है एक बायलैटरल सीरीज के ऊपर, तो समझ रहे हो तो आपकी टीम का औकात ही क्या है? कुछ भी नहीं है। कोई भी टीम बड़ी टीम आपसे खेलना नहीं चाहिए। ऑस्ट्रेलिया तो नकार चुका है, रिकी पंडिंग ने जैसा कहा था कि भाई तुम यहाँ आओ मत, हमारे बेकार का फिजूल का टाइम से बर्बाद करते हो, ना खेलते हो यहाँ पर गली मोहल्ले पर घूम कर फिर अपने अयाशी के फोटो छोड़ते हो, खेलने का तुम्हारा मतलब मूड ही नहीं होता, तुम मत आओ। इंग्लैंड भी इसी तरह कुछ साल बात करेगा कि अब पाकिस्तानी टीम को बुलाना ही छोड़ देगा, क्योंकि इनसे खेलने से सिर्फ टाइम वेस्ट होता है, क्रिकेट का कुछ गेन ही नहीं होता है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगता है जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन जरूर दबा दीजिए। मैं रुकता हूं जल्दी मिलूंगा नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।